आज यूपी कैडेट का एग्ज़ाम था और यहाँ पे बहुत सारे लड़कों का यूपी कैडेट में सेंटर पड़ा है। यह है उदय प्रताप कॉलेज। उदय प्रताप कॉलेज के अंदर उदय प्रताप पब्लिक स्कूल है जहाँ पे यूपी कैडेट का सेंटर पड़ा है। चलिए वहाँ पे हम लोग आके देखेंगे। ये वहाँ का मेन गेट है। क्वेश्चन देख के ये लग रहा था कि हाँ हमने पढ़ा है, तो हाँ 120-130 के आसपास हो जाएगा। मेरा तो 155। क्वेश्चन ऐसा था, हर लेवल में क्वेश्चन थे। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ टफ है या फिर इजी है, बट सबसे ज़्यादा नहीं रेटिंग के हिसाब से होता है भाई। जितने क्वेश्चन जिसके हैं, अगर 25 जीएस के आने हैं तो 25 ही आएंगे, उससे ज़्यादा तो आ नहीं सकते। या फिर ऐसे ही तो कोई किसी के मेजोरिटी क्वेश्चन नहीं थे, सारा मिला जुला सब्जेक्ट का। हर स्टैट के क्वेश्चन जो थे ना, थोड़े से ज़्यादा चकराने वाले थे। नहीं, हमारा ये कि एग्जाम चल रहा था, प्रॉपर टाइम मेरा पढ़ाई का पेपर था और लेवल तो बहुत मतलब अच्छे था। अच्छा, मतलब जीके पार्ट ज़्यादा टफ था। हाँ, वो थोड़ा टफ था, मतलब ऐसी चीज़ें पूछी थी जिसको मतलब। और स्टार्ट सही था, मतलब पढ़े थे तो उसे मतलब 10-12 सवाल के कुछ मतलब बाहर हो सकते। तो कितना चांसेस है कि आपको जैसे कह नहीं सकते, रिजल्ट आने पे पता चलेगा। लेकिन हाँ, अगर ऐसा वास्ट सिनेरियो देखा जाए तो हाँ चांसेस है। देखिए, पेपर तो बहुत ही आसान था, सभी डिपार्टमेंट से क्वेश्चन टच किए गए थे। और रही बात कुछ डिपार्टमेंट की, जैसे बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक्स, इसे थोड़े टफ क्वेश्चंस थे। और यहाँ तक कि इकोनॉमिक्स एंड स्टैट से भी क्वेश्चन थोड़े टफ थे, अदरवाइज सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन इजी थे। और स्टैट से कैसा क्वेश्चन था? स्टैट से देखिए क्या था कि एग्रीकल्चर वालों के लिए थोड़ा टफ पड़ जाता है, तो जो सुंडा या और अदर कंप्रेहेंसिव बुक पढ़ा होगा उसके लिए तो आसान था, क्योंकि टिपिकल चीज़ें नहीं पूछी थी, आराम से इजीली क्वेश्चन पूछे थे। लेकिन जो नहीं पढ़ा होगा वो नहीं कर पाया होगा। और 25 क्वेश्चन आता है जीएस और जीके का, तो उसका किस टाइप का क्वेश्चन लेवल क्या था? जीएस का क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था, दो तीन क्वेश्चन थे जैसे डेट वाले, वो थोड़े मतलब कठिन थे, अदरवाइज सारे क्वेश्चन आसान थे।